आज का प्रातः क्लास है 20 जुलाई 1968। शनिवार को पहला पेज। ओम शांति। अभी बाप समझाते हैं बच्चों को कि अंतर्मुखता इसको कहा जाता है। कुछ बोलो नहीं, अपन को आत्मा समझ करके और बाप को याद करो। बाप ये शिक्षा देते हैं, बस यही शिक्षा देनी है बच्चों को। और तो कुछ बोलने का है नहीं वास्तव में। परंतु समझाने दे कर करके ये घर में या घर गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है। यही है मनमना भव, मुझे याद करो। ये पहली पॉइंट है बच्चों की। और घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। बाप ने कल समझाया क्रोध को फिर कहा जाता है कि घर में जो पानी का मटका होता है ना, क्रोध में वो भी सूख जाता है, पानी सारा सूख जाता है। अब है तो ज्ञान जल की बात। क्रोध की बुद्धि में तो सारा ज्ञान उड़ जाता है। तो ये क्रोध का एक दो को कुछ कहना, ये क्रोध दुश्मन है ना बच्ची, बहुत अशांति फैलाते हैं। इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रह करके अपना शांत में रहना। भोजन आदि जो मिला है खाए कर करके अपने धंधे पर चले जाना या ऑफिस में चले जाना, क्योंकि वहां भी शांति शांति शांति। देखो सभी आते हैं कहते हैं हमको शांति चाहिए। अभी तो बच्चों को बताया है कि शांति का सागर भी बाप है ना। अभी शांति वो देंगे कैसे? डायरेक्शन देते हैं कि मुझे याद करो। तो मुझे याद करो उसमें कुछ मनुष्य मुख से बोलना कुछ भी नहीं है। नहीं, ये अंतर्मुख रहना है। उसमें काम भी बहुत कुछ करना होता है, तो काम करना है, जास्ती बोलना नहीं होता है। बिल्कुल साधारण और बहुत मीठा होकर रहना।
कोई को भी दुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सभी जो भी लड़ाई वगैरह है ना, ये सब क्या है? ये सभी क्रोध एक दो के ऊपर क्रोध, कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ किया, तो लड़ाई काहे की लगती है? ये क्रोध की निशानी है। देखो कितनी बड़ी क्रोध की लंबी चौड़ी निशानी है। सुबह को जब आते हो तो वो जो धूप है ना, तुम जगते हो अच्छी तरह से, रोज जगाओ, बच्चों को जगाते हो, कोई को भी जगाते हो तो प्यार से जगाओ, ऐसे सत्युग में कोई क्रोध वगैरह कोई भी नहीं होता है। ये है रावण पने की निशानी, जिसमें क्रोध है उसको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय, समझा? इनमें आसुरी माना भूत की प्रवेशता है, काम का भूत। तो भूत जब आते हैं ना, तो अपन को भी बहुत दुख देते हैं और दूसरों के भी, दूसरे को भी एकदम तपाए देते हैं, खुद भी तपता है तो औरों को भी तपाता है, जिससे क्या होता है? अशांति। तो जिस चीज से अशांति हो वो बोलना नहीं चाहिए। भले दूसरा कोई भी, अभी दूसरे को तो कोई ये ज्ञान मिलता नहीं है, नॉलेज मिलती नहीं है, तो वो क्रोध करेंगे। परंतु उनके साथ क्रोध करने से फिर देखो ये इतनी लड़ाई लग जाती है, समझा ना? दुनिया में इतनी लड़ाइयां लग जाती हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे ये भी एक बड़ा कड़ा भूत है, और इस भूत को भी युक्ति से भगाना चाहिए। कभी भी मुख से कठोर वचन नहीं निकालना चाहिए, जरा मीठा एकदम, क्योंकि ये क्रोध तो बहुत नुकसानकारक है। देखो ये जो विनाश होता है ना, ये होता ही है क्रोध से, और ये लड़ाई लगती है क्रोध से। घर घर में जहां जहां क्रोध है ना, वहां बिल्कुल ही अशांति रहती है। तो वहां भी तो तुम क्रोध कर करके बाप का नाम बदनाम ही करेंगे ना, क्योंकि तुम जानते हो
सबको कहते हो कि हमको नॉलेज दो देते हैं, तो वो नॉलेज से ये जो भूत हैं उनको भगाना है, भगाना तो है ना भूत को। हाँ, क्योंकि एक दफा भगाया पीछे तो फिर आधा कल्प ये भूत होते ही नहीं। अभी तो इस कलयुग दुनिया में इनका जोर बहुत है। ये जो पांच विकार है ना बच्चे, ये अभी फुल पावर में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी फुल फोर्स में है और उसी समय में बाप आते हैं। देख तो ना, अभी फुल फोर्स में है ना, विकार भी फुल फोर्स में है। ये जो आंखें होती हैं, ये मुख भी बड़ा क्रिमिनल है। जब जोर से बोलता है ना मुख से, तो खुद को भी तपाता है, औरों को भी तपाता है। बहुत मनुष्य तप जाते हैं, पूरे घर को तपाए देते हैं। कहते हैं जिसके पास क्रोध है ना, तो घर में तपाए देते हैं। अभी ये दोनों काम और क्रोध बहुत बड़े दुश्मन। और जब तलक इनको नहीं भगाएंगे, तब तलक तुम्हारे पास शांति भी नहीं रहेगी। क्योंकि क्रोध वाले जो होते हैं ना, वो याद तो कर ही नहीं सकते हैं। और याद करने वाले तो बात भी नहीं करेंगे, सदैव शांत रहेंगे। तो ये अपने दिल के अंदर पूछते रहना है कि हमारे में ये काम क्रोध के भूत तो नहीं है। देखो, याद रखो, याद का भी भूत बहुत होता है। मोह का भूत, ये भी भूत है। तो बड़ी लोभ का भी भूत है। 20 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। ये सभी भूत हैं। क्योंकि ये रावण की सेना है ना बच्चे। ये पांच भूत, देह अभिमान। अभी देह अभिमान के लिए बाप कितना याद की यात्रा सिखलाते हैं। जबकि वो बड़ी मुश्किल होती है। देखो, मुझते नहीं है, मुझते हैं बहुत, समझते नहीं है। क्योंकि बहुत भक्ति की है ना, तो भक्ति तो होती है देह अभिमान की।
अब इसको भी देखना है और भक्ति करना है। ये तो चित्र है, इनको देखते हैं ना। तो देखो, रात को भी वो आया तो सबको ही पहले पहले मुझता है, क्योंकि आधा कल्प देह का अभिमान भरा हुआ है। क्योंकि आधा कल्प से देह उनकी ही पूजा हुई है, देहधारियों की, और हैं पत्थर बुद्धि, बाहर मुखता में भरे हुए हैं। तो देखो, बाहर मुखता होने के कारण अपन को न आत्मा को समझ सकते हैं, और यहां बहुत है, समझा ना। बाप बोलते हैं ना, जब बाप बैठ करके जोर लगाते हैं आत्मा को याद करो, तो उनको आत्मा याद ही नहीं आती। देखो, रात को भी उनको समझाते थे और अच्छा समझते थे, सब कुछ मानते भी थे, परंतु पिछाड़ी में कहते थे याद कैसे करें। अरे कोई चीज तो है नहीं आंखों से देखने की, अभी आंखों के आगे कोई चीज हो तो याद आए, तो फिर याद कैसे करें। तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है। तो फिर उनको समझाया जाता है कि तुम अपन को आत्मा भी समझते थे ना, और ये भी जानते हो कि वो बाप है बेहद का बाप, कोई लौकिक बाप तो है नहीं, हद का, या कोई धर्म पिता, हद की जनरेशन का बाप, वो तो बेहद सारी दुनिया का बाप है। तो अगर उसको याद नहीं करेंगे तो शांति कैसे मिलेगी। मुख से और कुछ भी नहीं बोलने का है, वो बोलता है भला शिव शिव, तो बोला नहीं, मुख से कुछ भी बोलने का नहीं है। राम राम कुछ भी नहीं कहना है, अंदर में तो जानते हो ना कि मैं आत्मा हूं, और परमपिता की सभी आत्माएं औलाद हैं, और शांति मांगते हो तुम, तो वो ही शांति का सागर भी है। तो क्या देंगे, शांति का इनहेरिटेंस देंगे ना, वही तो वर्षा देंगे शांति का। अभी देंगे कैसे, तो बाप ये बात समझाते हैं कि मेरे को याद करो, तो
इस याद की बात में दो बातें हो गई, एक तो शांत हो जाएंगे, दूसरा शांति से तुम्हारा जो विकर्म है पाप कर्म, इस योग माना बाप की याद से दूर हो जाएगा। योग लगाओ माना बाप को याद करो, तो तुम्हारा जो विकर्म है वो भस्म होता जाएगा। बाप की याद अग्नि का काम करेगी, कहते हैं ना योग अग्नि, तो ये तुमको फायदा होगा। एक तो शांति मिलेगी, दूसरा तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो सब कट जाएंगे। तो फिर शांति मिलेगी, अब फिर घड़ी घड़ी भूलते थे कि बाबा कोई चीज होवे तो याद आवे ना। अरे पर चीज है ना, ऐसे भी नहीं कि कोई जड़ पदार्थ है, चैतन्य है। तुम कहते हो ये लिंग की पूजा करती हूं, अब वो इतना बड़ा लिंग नहीं है। जैसे तुम्हारी आत्मा छोटी है तैसे बाप भी छोटा ही है, इतना बड़ा तो नहीं है। यूं तो कहते ही हैं अभी और सभी कहते हैं, हे भगवान, हे परमपिता, ओ गॉड फादर। तो ये कौन कहता है? जड़ पांच तत्वों का शरीर बना हुआ ये कहता है क्या कि ओ गॉड फादर? ये कोई शरीर तो नहीं कहता है, है ना बच्चे? नहीं, तुम तो चैतन्य आत्मा हो ना, स्टार के समान। वो ही अपने बाप को याद करती है।